सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के भतवाड़ी में विशाल रोड शो किया है। इस दौरान उनके रोड शो में भारी भीड़ भी जुटी। वही रोड शो के बाद सीएम धामी भतवाड़ी के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आपके बीच संदेश वाहक के रूप में भेजा है। पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भारत के 2047 तक विकसित भारत बनने की संकल्प को पूरा हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तीन तलाक प्रथा खत्म हुआ है, साथ ही देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 3 G20 करने का मौका भी दिया है। अति पावनी गंगा का उद्गम स्थल और गंगोत्री धाम, ऐसी पुण्य धरा पर जब भी आने का मौका मिलता है तो मैं स्वयं को धन्य महसूस करता हूँ। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में उत्तराखंड में आए थे। रुद्रपुर में उन्होंने एक बहुत विशाल रैली को कल संबोधित किया और आज मैं उस रैली के बाद सबसे पहले किसी सभा में पहुंचा हूं तो आप सबके बीच में पहुंचा हूं भटवाड़ी में। और प्रधानमंत्री जी ने आप सबको मुझे संदेश देने के लिए कहा था कि आप सबको मेरी तरफ से सबको नमस्ते कहना, सबको राम राम कहना, तो मैं सबको प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आप सबको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे संदेश वाहक के रूप में आप सबके बीच में भेजा है। मैं उनका संदेश आप तक भेज रहा हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी ये चुनाव चल रहा है और बहुत कम चुनाव के दिन रह गए हैं। आज 3 अप्रैल हो गई है और 19 अप्रैल को मतदान होना है। कम समय रह गया है और कम समय में इस बार देखिए उत्तराखंड से हमको एक बड़ा बहुमत हर एक सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करना है, जो उन्होंने